दुबई में बुलंद इमारतों, पार्क्स, मॉल्स के अलावा भी यहाँ पर सयाह के लिए बहुत कुछ देखने के लिए है जो आपको दिलचस्प तजर्बात फराहम करते हैं, जैसे कि पानी की सरगर्मियाँ जो ज़ायरीन को मुख्तलिफ मौके फराहम करती है। दुबई को कुदरत ने समंदर, सहरा और आसमान दिया है और फिर दुबई ने भी कमाल दिखाया है। जहां तक इनको मुमकिन था वहां तक इन्होंने सयाह को पहुंचाया है। इस व्लॉग में हम जेट स्की और फ्लाई बोट से मजे लेंगे। जेट स्की पर बैठकर आप मौजों की रवा लहरों का लुत्फ उठा सकते हैं। जेट स्की के तजर्बे में आप दुबई की फराग मनाजिर और जमीनी मीनारों को पानी की आंखों के जरिए देख सकेंगे। जेट स्की के जरिए आप समंदर में दूर दूर तक भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के मशहूर तरीन 7-स्टार होटल बुर्जुल अरब को आप एक और एंगल से भी देख सकते हैं। जितना तेजी से दुबई तरक्की कर रहा है उतने ही तेजी से सयाहों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल आपको दुबई में कोई नया मंजर या नई सरगर्मी देखने को मिलेगी जो कि यहां से गुजरे लोगों को भी दुबई की सैर करने पर दोबारा मजबूर करती है। इस वक्त हम जा रहे हैं फ्लाइंग बोटिंग के लिए। फ्लाइंग बोटिंग क्या है इस वीडियो में आपको दिखाएंगे दुबई के समंदर में, और इन नज़ारों में आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा और दुबई के बाकी मशहूर इमारतें हमारे बैक में। वाटर एडवेंचर्स में से एक फ्लाइंग बोट भी है जो कि एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। फ्लाइंग बोट जितना आसान ये देखने में लगता है उतना है नहीं, मगर कोई भी काम नामुमकिन नहीं। अगर आप इसको पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ करें तो दुबई के टूरिज्म में आपको बहुत कुछ करने और सीखने को मिलेगा। हर जिंदा दिल इंसान की जिंदगी में नई महारतें, इलम, तजर्बात को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आपको ज़्यादातर मौके दुबई में ही मिलेंगे ताकि आप अपने अंदर मौजूदा सलाहियतों को दिखा सकें। ज़िंदगी में मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होने से इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत में भी तरक्की मिलती है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।